दोस्तों स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिस्टल के बारे में। हम बताने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कब से होने वाला है। देखिए रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई थी उनका उन्होंने नोटिफिकेशन में डायरेक्ट क्लियरली मैंशन कर दिया था कि आपका जो एग्जाम है 27 नवंबर 2022 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उन वाले बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है कि हमारे कब से एग्जाम होने वाला है और कब से हमें रिटर्न एग्जाम की तैयारी किस हिसाब से करनी है, क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य पता है कि हमारे 27 नवंबर 2022 के पास आपके हमारा एग्जाम होने वाला है। अब बच्चे कौन कंफ्यूजन में है, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो वाले जो बच्चे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं अपना एग्जाम को लेकर डाउट में है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यार एग्जाम इस साल नहीं होगा अगले साल होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यार अक्टूबर में नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। एक कटिंग भी वायरल हो रही है जिसमें आपको दिखाया गया था कि 27 हाँ सॉरी मैं बोल रहा था कि जिनके रेडियो मैकेनिक वाले और रेडियो ऑपरेटर वाले थे ना, उनका 20 नवंबर से आपका एग्जाम होने वाला था। और 27 नवंबर जो बता रहे ना, एक कटिंग वायरल हो रही है डिपार्टमेंटल के अंदर की एक फाइल थी उसमें से कटिंग वायरल हो रही है, उसमें लिखा हुआ था कि 27 नवंबर के आसपास आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो को एग्जाम हो सकता है। और ये जो है ना कहीं भी ऑफिशियल नहीं है, अगर ये परमानेंट बिल्कुल कंफर्म न्यूज होती तो कहीं भी पब्लिक डोमेन में आपको मिल जाती या ऑनलाइन आप कहीं भी चेक कर सकते थे। लेकिन बीएसएफ ने कहीं भी ऑनलाइन आपको कहीं भी शो अप नहीं किया है कि आपका 27 नवंबर से आपका एग्जाम होने वाला है। हाँ, बीएसएफ ने अपना रेडियो ऑपरेटर और मैकेनिक वाला जो था वो 20 नवंबर से हो गया था। अब भाई क्या है इसकी सत्यता, तो मैंने भी क्योंकि 2-3 दिन पहले ही आ गई थी लेकिन मैंने अभी चेक नहीं किया, बताया नहीं था किसी को, कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था जो वहां पर है, उनसे एक न्यूज निकलवा रहा था कि भाई क्या चल रहा है, क्या है, कैसे है, क्योंकि जिससे कि मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज दे सकूं। तो जो मुझे पता चला है कि वहां की जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी वहां के विंग हैं, वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई हमारा 20 नवंबर से तो ये एग्जाम हो जाएगा रेडियो ऑपरेटर वाला और 27 नवंबर से कहीं ना कहीं उसको हम देखने वाले हैं, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसका हमने ऑफिशियली मतलब एक फाइल चलाई थी और वहीं से एक नोटशीट जो है वो वायरल हो गई है। तो कहां से हुई, क्या हुआ, वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया, ना ही मैंने उसे पूछा, बस मैंने उतना बताया कि आपका 27 नवंबर अभी तक अगर कोई प्रशासनिक कार्य नहीं होते या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई रोल ऐसा नहीं आता कि भाई आपका इधर उधर करना चाहिए, तो वो भी बता रहा था कि भाई आपका अभी तक 27 नवंबर 2022 फाइनल समझ के चलना, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करना, उसी हिसाब से आप अपने को माइंड सेट आप बना लीजिएगा कि मेरा जो एग्जाम वो 27 नवंबर से आने वाला है। अब सिलेक्शन कैसे लेना है, आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग, किसी को नहीं पता नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो मैंने जैसे उससे पूछा कि यार नोटिफिकेशन में तो कहीं ऐसा नहीं है कि इसमें बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली जो वैकेंसी है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, फिर क्या होगा। तो उसने बोला कि यार नेगेटिव मार्किंग अगर होती तो हम नोटिफिकेशन में साफ क्लियर टू क्लियर दिखा देते, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग से आप मत डरिए, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सब्जेक्ट आपको पता ही है, हिंदी इंग्लिश में से एक करना है 20 नंबर का आ जाएगा, क्लेरिकल एप्टीट्यूड 20 नंबर का आ जाएगा, रीजनिंग 20 नंबर की आ जाएगी, मैथ भी 20 नंबर का आ जाएगा और एक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए 20 नंबर का आएगा। टोटल 5 सब्जेक्ट आपके बनते हैं और 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। समय की बात करें तो 1 घंटा 40 मिनट आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो डरने की झिझकने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा लक्ष्य कहां तक है और क्या मुझे करना है। सबसे पहले इसका रिटन एग्जाम होगा, तो रिटन एग्जाम जो है वो मॉडरेट आता है, हाई नहीं जाएगा, लो चला जा सकता है लेकिन मॉडरेट रहेगा। आप मान के चलिए कि आपको मॉडरेट है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक मार्केट में आ गई है, उसको आप परचेस कर सकते हैं, बेहतरीन कंटेंट है, आप उससे अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको भी परचेस कर लीजिएगा, दोनों के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो कन्फ्यूजन कहीं नहीं रखना है, क्लियर मैं बता देता हूँ कि 20 नवंबर से आपका रेडियो ऑपरेटर मैकेनिक वाला एग्जाम है और 27 नवंबर से अभी तक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का आपका प्रिपरेशन कर लीजिएगा, तैयार माइंड सेट कर लीजिएगा कि आपका जो एग्जाम है तब देखने को मिलने वाला है। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया क्या कुछ होने वाला है, सेंटर की डिटेल अभी चेंजिंग होने वाली है, कुछ बनने वाले हैं, कुछ कहाँ उसमें उलटफेर होने वाली है। तो जैसे ही सेंटर की कंफर्म डेट आ जाती है कैसे होगा क्या होगा, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से और बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मैं ऑथेंटिक, देखिए थोड़ा लेट सवेर हो सकता है मेरे वीडियो में, लेकिन मैं ऑथेंटिकेशन में आप विश्वास रखता हूं कि थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि मेरे को पास भी आ गई थी 3-4 दिन पहले मुझे बता दिया था, लेकिन बीच में सैटरडे संडे छुट्टी थी,
बात नहीं हो पाई किसी से। इसलिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सत्यता के साथ बता रहा हूँ कि आपका 27 नवंबर से तैयारी कर लीजिएगा, जल्दी ही आपका एग्जाम होने वाला है। हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर SSB में जो है उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ और उसमें मैं बता देता हूँ कि 11 नवंबर आपके लिए बहुत क्रूशल डेट आने वाली है। उसमें भी आपको कुछ ऐसी अपडेट मैं शाम को बना दूंगा वीडियो या कल बना दूंगा, उसमें एक ऐसी डेट मैं बताने वाला हूँ नवंबर SSB की, मैं क्लियर डेट बता दूंगा कि SSB में हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और ट्रेड्समैन वालों की कब एग्जाम होने वाले, रिटर्न होने वाले हैं, या SSB हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का कब होगा, क्योंकि उसमें अभी ग्रहण पड़ने वाली है, उसमें कुछ दिक्कत चल रही है, मैं आपको क्लियर डेट शाम तक बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल पर बने रहिए, हाँ देर सवेर हो जाएगी लेकिन मैं ऑथेंटिकेशन के साथ आपको जानकारी दूंगा। तभी मैंने इस चैनल पर थोड़ी सी वीडियो कम कर दी कि यार फालतू की इधर उधर की बकवासबाजी ना करके एक बिल्कुल रियल आपके न्यूज़ दिया करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।